भूमिका मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। ये स्थान भूमिका मंदिर के नाम से जाता है। आज से करीबन 900 वर्ष पहले इस छोटे से रूम में, इस छोटे सी कुटिया में पंडित श्रीधर जी उनकी पत्नी ने अपने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती के दर्शन के लिए यहाँ कठोर तपस्या की है। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ वैष्णो देवी ने इनको एक दिन के यहाँ कन्या रूप में दर्शन दिए थे कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। वो हमेशा चिंतित रहते थे कि मुझे भी कोई संतान प्राप्त हो और मेरा भी कुलवंश आगे बढ़े। वो माँ की भक्ति करते थे और कन्याओं का पूजन करना चाहते थे, लेकिन गाँव में ऐसा कुछ रीत थी कि इनके कारण गांव के लोग उनके घर में कोई कन्याएं भेजते नहीं थे। तो वो बड़े दुखी रहते थे, लेकिन तपस्या और भक्ति माँ की वो कभी नहीं छोड़ते थे। एक दिन माँ भगवती उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। नवरात्रों के समय पंडित श्रीधर जी को माँ वैष्णो देवी ने कन्या रूप में यहाँ पे दर्शन दिए। वो माता वैष्णो देवी 9 कन्याओं को लेकर इस कुटिया में आई थी। यहीं पर पंडित श्रीधर जी ने उन कन्याओं का पूजन किया है, उनको भोजन कराया है, उनका व्रत पूरा किया है। जब उनको भोजन कराया गया, उनसे आशीर्वाद लिया गया, तब पंडित श्रीधर जी को माँ वैष्णो देवी कन्या रूप में जाते हुए कहने लगी, पंडित श्रीधर जी, हमारे कन्या पूजन और भोजन से आपका व्रत पूरा नहीं होगा। आप सारे गांव को यहाँ पे लंगर भंडारा करके भोजन कराना, तब आपकी सभी को मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह आशीर्वाद दे के वो कन्याएँ चली गई। इस बात को उनके पत्नी जब उन्होंने विचार किया कि माँ वैष्णो देवी ने कहा है कि कोई कन्या थी जो दिव्य रूप से आई थी, वो तो माँ को, सभी कन्याओं को माता का रूप जान मानते थे, कि माँ ने कहा कि भंडारा करने के लिए। तब वो उन्होंने बिना सोचे कुछ समझे अपने पत्नी के साथ जाकर पूरे गांव में निमंत्रण दिया था कि घर घर में, कि हमारे घर में कल भंडारा, आप सभी लोग यहाँ पर भंडारे में पधारना। उन्होंने भैरवनाथ को भी निमंत्रण दिया था। दूसरे दिन यहाँ पर 365 चेले लेकर भैरवनाथ भी पहुँच गया था और सारे गांव के लोग भी यहाँ आए थे। जब सारा गांव यहाँ जमा होने लगा, तब वो चिंतित होने लगे कि मेरे पास तो भोजन करने के लिए कोई राशन पानी नहीं है, मुझे, मेरे पास बैठने को जगह नहीं है। वो कन्या कौन थी जिन्होंने मुझे भंडारी के लिए कहा गया? वो दोनों ही बहुत परेशान थे, दुखी होकर रोने लगे। वो जो घर में, अपने घर में रख के जिस मूर्ति की, वो प्रतिमा की पूजा करते थे, वो इस तरफ वाली जो दीवार से लगी अष्टधातु की प्रतिमा है माँ वैष्णो देवी भगवती की, उसके आगे वो रोने लगे, कहने लगे, हे माँ, उस कन्या को भेजो जिन्होंने हमारे भंडारी के लिए कहा है। सारा गांव जमा हो चुका, हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो माँ के आगे अर्जी करते करते वो रोने लगे, उनकी भक्ति में लीन हो गए। तब माँ वैष्णो देवी स्वयं यहाँ पे दूसरे दिन कन्या रूप में अकेले इस घर में प्रकट हुई थी, इस कुटिया में। और यही वो कुटिया है जिसके अंदर माँ वैष्णो देवी ने कन्या रूप में अपने शक्ति से अपने आप यहाँ चूल्हा जलाया था, अपने आप बर्तन आए थे, अपने आप यहाँ हलवा, खीर, पूड़ी, सब्जी, माँ भगवती ने भोजन तैयार किया था। जब भोजन तैयार हो गया, तब उन्होंने कहा था, पंडित श्रीधर जी, आप क्यों रो रहे हो? क्या आपको माता पे विश्वास नहीं था? तब माँ, जब उन्होंने आवाज़ सुनी, तब उन्हें आँख खोल के देखा, तो देखा कि ये वही कन्या है जो कल उनको बोल कर गई थी, आशीर्वाद दे कर गई थी। उस कन्या ने कहा, है पंडित श्रीधर जी, आप सारे गांव को भोजन कराओ, आप चिंता छोड़ो और सभी गांव को भोजन कराओ। जब उन्होंने देखा तो इस घर में पूरा भोजन का भंडार तैयार था, हलवा, खीर, पूरी, सब्जी माँ ने बनाया था। तब उन्होंने कहा था, कन्या, हमारे पास में बैठने को जगह नहीं है, हम गाँव वालों को कहाँ भोजन कराएंगे? तब माँ वैष्णो ने कहा, इसी कुटिया में आप खिलाएंगे सभी को, तो सभी को इसी कुटिया में बैठा लो। इस दरवाजे के अंदर से जैसे भी लोग इस कुटिया के अंदर आकर बैठते जाते थे, माँ ने इस कुटिया को अंदर से अपने आप बढ़ाना शुरू किया था। यह कुटिया बड़ी होते गई, लोग इस तरह बैठते गए। इसके अंदर पूरा गांव बैठते चला गया, समा गया। माँ भगवती सभी भक्तों की मनोकामना, इच्छा पूर्ण करे और भक्तों से निवेदन है कि इस जगह आकर अपने माता के दर्शन करे, आशीर्वाद ले और अपनी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करे। बोल साचे दरबार की जय।